तो यारों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेटी इन्फोटेक पर। तो आज के जो सिंपल विंजो गोल्ड का जो बग ट्रिक बताने वाला हूँ, पूरा सिंपल प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो सिंपली इसका वीडियो जो मैंने पहले बना दिया था लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिर से वीडियो बनाओ, तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि वीडियो को मतलब अगर आपको बीच में शायद समझ नहीं आया, ठीक है, बीच में मान लीजिए कि कुछ बताया बीच में आपको समझ नहीं आया, तो वीडियो के लास्ट में आपको फुल डिटेल से जो बताने वाला हूँ, सब चीज़ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड मतलब एंड वाला पार्ट तो जरूर से जरूर देखना, भले ही बीच वाला ना देखो तो बीच वाला भी देखना है यार। ऐसा नहीं कि बीच वाला मैंने ना देखने को बोला नहीं देखोगे, बीच वाला भी देखना है और एंड तक पूरा देखना है। सिंपली करना क्या है, विंजो गोल्ड को सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके लिए चाहिए आपको एक और फोन, मतलब कि अगर आपका रेडमी का फोन नहीं है, एमआई का फोन नहीं है, तो अपने फ्रेंड या किसी के पास तो होगा, उससे जुगाड़ कर लो, उसको भी कुछ बेनिफिट दे देना। आपको पर नंबर जो 69 रुपीज़ 69 रुपीज़ करके फायदा होने वाला है। तो कितना मस्त लूट है यार वीडियो को, मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो को आप आराम से देख सकते हो इस 69 रुपीज़ के फायदे के लिए। हर नंबर से आप इतना लूट सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, विंजो गोल्ड को तो डाउनलोड कर ही लिए होगे, इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो है डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जो बात आती है यहाँ पर रेडमी फोन में क्या करना है, तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। चलिए ठीक है, अकाउंट लॉगिन कर लेना, उसके बाद अपना रेफर कोड निकाल लेना है। अब जाना है आपको एमआई के फोन के सेटिंग पर, अगर आपका है तो ठीक है, और नहीं है तो अपने फ्रेंड वाले मोबाइल में जाना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। बग ट्रिक को बताने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए पेटीएम इन्फोटेक, या तो इसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो मेरे क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हो, या तो सिंपली पेटीएम इन्फोटेक सर्च कर लो, ज्वाइन आराम से आप कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ समझ नहीं आता, सिंपली यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर पूरा प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस पेटीएम इन्फोटेक, इस पर क्लिक करना है। एंड इसमें से क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैसेज क्या है, क्लिक करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर से जरूर देने की कोशिश करता रहूँगा। तो पूरा आराम से वीडियो को एंड तक देखना है। आप चले जाता हूँ मैं अपने सेटिंग पर, सेटिंग पर जाने आपको प्रोसेस बताता हूँ। सिंपली करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, सेकंड स्पेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर इस टाइप का आपका ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पर क्या करना, सिंपली टर्न ऑन सेकंड स्पेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ये क्रिएटिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन आने वाला है। तो बस सीधा सीधे यहाँ पर यूजिंग शॉर्टकट पर यहाँ पर क्लिक करना है, पासवर्ड पर टिक रहेगा, पहले उस शॉर्टकट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका क्रिएटेड सक्सेसफुल हो जाएगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको माना था, सिंपली आपको जो यहाँ पर स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपका जो यहाँ पर सेकंड स्पेस ओपन हो जाने वाला है, सिंपली ओपन कर लेना है। तो थोड़ा लोडिंग लेने के बाद आपका इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मतलब मोबाइल जब रिसेट करते हो तो नया मोबाइल के टाइप्स का आपका ओपन हो जाने वाला। आपका मोबाइल रिसेट नहीं होगा, डरना नहीं है आपको, सिंपली ठीक है। तो आपका ये जो सेकंड स्पेस ओपन हो चुका है, ये सिर्फ एमआई के फोन में ही, इसलिए आपको एमआई का फोन जो आपको ट्राई करने को बोला। अगर आपके पास रेडी अकाउंट है एमआई का फोन की ट्राई कीजिए। अगर आपके आपने अभी तक जो विंजो गोल्ड को नहीं बनाया, सिंपल सा क्या है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में प्रोसेस कीजिए, लेकिन आप अपने मोबाइल में दो बार कर पाओगे, उसके बाद फिर से आपको एमआई फोन की जरूरत पड़ेगी, या तो मोबाइल को रिसेट करना पड़ेगा। सिर्फ एमआई फोन का जुगाड़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होता, तो आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इसी टाइप का ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पर पूरा फुल सेटिंग आपका ओरिजिनल मोबाइल जैसा खुल जाएगा। स्पेशल फीचर पर जाना है, सेकंड स्पेस पर जाना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सिस्टम अलग रहेगा, ठीक है। अब नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए मूव डाटा का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर देखिए सिंपली अपना फिंगरप्रिंट जो दे देना, जो लॉक होगा आपके मोबाइल में पहले वाला, मतलब आपका ओरिजिनल वाला, वो फिंगरप्रिंट नंबर जो डालना डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है ऑप्शन यहाँ पर ऐप सेटिंग्स का, सिंपली करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा आपका ऐप, विंजो गोल्ड जितना सब जितना ऐप है आपके मोबाइल में, सब ऐप यहाँ पर लोडिंग ले लेने वाला है। तो लोडिंग ले लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, विंजो गोल्ड यहाँ पर नीचे स्लाइड करके विंजो गोल्ड मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सावधानी से आपको देखिए सबसे नीचे यूज इन बोथ स्पेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख सकते हो यूज इन बोथ स्पेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब इतना ही काम करना है, यहाँ पर विंजो गोल्ड आपका जो इंस्टॉल हो चुका है। आप अगर ये सेटिंग नहीं करना चाहते सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो ब्राउजर में जाकर। मैंने तो इसे इस टाइप से जो इंस्टॉल कर लिया, तुरंत इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है आपको, तो विंजो गोल्ड को सिंपली ओपन करना यहाँ पर। एंड ओपन करने के बाद आपका साइनअप प्रोसेस भी यहाँ पर पता चल जाने वाला, साइनअप कैसे करना है, और यहाँ पर देख लिया ट्रिक भी क्या करना है, यहाँ पर सब चीज़ बताने वाला हूँ। अपना सबसे पहले एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई नंबर भी ओटीपी का ऑप्शन आता है नीचे, देख सकते हो वेरीफाई नंबर भी ओटीपी, इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए परमिशन में अलाउ कर देना, अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर सिंपली अपना कोई नया मोबाइल नंबर डाल देना, जिससे मतलब अभी तक विंजो गोल्ड नहीं बना, मैं सिंपली मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको तीर पर क्लिक करना, आगे पर क्लिक करना, प्रोसीड करना, जो करना करते हो, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको इंटर कर लेना है। तो मैंने जो ओटीपी इंटर कर लिया, अब मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग करेगा, यहाँ पर देखिए अप्लाई रेफर कोड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेफर कोड जो क्या इंटर करना है, यहाँ पर बड़ा वाला चल PAYA1FCA, अगर आपके पास रेफर कोड अपना इंटर कर सकते हो, आपके पास अगर नहीं है साइनअप कर रहे हो तो सिंपली ये इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर नेम मेनू पर क्लिक करना है, अपना यहाँ पर नेम जैसे इंटर करना है, जैसे मैं अपना नेम जो इंटर करता हूँ। उसके बाद आगे पर बढ़ जाता हूँ, यहाँ पर जैसे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग लेगा। आगे यहाँ पर जैसे तीर पर क्लिक करना है आपको,
तो यहाँ पर कुछ आपको परमिशन मांग जाएगा। परमिशन मांगने के बाद यहाँ पर सिंपली अपना लोकेशन उसे सेव कर देना जो पर सो। उसका सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टाफ का इंटरफेस आएगा। आपको 50 रुपये का बोनस यहाँ पर देखिए, 10 रुपये का फ्री कैश बोनस मिला, 10 रुपये फैंटेसी टिकट, 20 रुपये का स्पिनर एंड 10 रुपये का टूर्नामेंट टिकट। आपको सिंपली कट कर देना है, ऐसे आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइनअप करते हैं आपको 10 रुपये मिल जाने वाला है। अब अनलिमिटेड ट्रिक एंड बग के बारे में बताने वाला, अनलिमिटेड ट्रिक तो उसमें है नहीं, बग है। तो बग के बारे में बताने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर वैलेट पर अब जाना है, यहाँ पर या तो सिंपली सबसे पहले ऊपर स्पिन पर क्लिक करना है, स्पिन कर लेना, आपको 2 रुपये बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल जाने वाला है। स्पिन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करने बाद मेरा 2 रुपये यहाँ पर बोनस जो मेरा मिल जाएगा। देखिए 2 रुपये का बोनस मिल गया, मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ। अब वैलेट पर जाता हूँ, वैलेट पर जाने के बाद मेरे यहाँ पर बैलेंस देखिए कितना है। यहाँ पर ऑफर बताने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर देखिए 12 रुपये बैलेंस है, ठीक है। अब नया अकाउंट आपने क्रिएट किया, यहाँ पर कुछ ऑफर्स मिलेंगे। देखिए ऑफर्स मिलते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑफर है 100% अप टू 30, लेकिन मिनिमम डिपोजिट है 50 रुपये का। सिंपली करना है कि आपको बैनर पर क्लिक करना है। बैनर पर जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आप पहुँच जाने वाले एड मनी पर, या तो एड मनी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट जैसे 50 रुपये का डालिए, 30 रुपये देगा आपको कैशबैक, लेकिन 50 रुपये डालना पड़ेगा। 50 रुपये मिनिमम करोगे तो आपको जो 30 रुपये कैशबैक मिलेगा। सिंपली करना क्या है, एड मनी पर क्लिक करना, एड नाउ पर, एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको पेटीएम से पेमेंट करना, पेटीएम कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर डेबिट कार्ड से ही जो कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा देखिए सब्जी मांगा जा रहा है, मैं डिटेल फिल करके पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने जो सक्सेसफुली OTP ट्रैक कर लिया, यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, मेरा 50 रुपये यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हो बोनस यहाँ पर 30 रुपये का मिल चुका है, पहले 12 रुपये था, 30 रुपये और ऐड हो चुका है, जिससे मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर चला जाता हूँ एंड 30 रुपये का मुझे कैशबैक मिल गया। लेकिन ये कैशबैक आपका यूज नहीं होगा, यही मेन प्रॉब्लम है। लेकिन इसका बग बताने वाला हूँ, बग मैंने बोला तो बग बताने वाला हूँ। सिंपल सा क्या करना है सो बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए विंजो का यहाँ पर ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है होम पेज पर एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको डेली पजल्स पर चला जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब बग की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बोनस यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हु इज बेटर पर क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पर किस तरह से लगाना है ध्यान से देख लिया आपको, मतलब बिना लूज के, मतलब बिना हारे आप यहाँ पर से आ सकते हो। या तो अगर आपको रिस्क पर खेलना है, रिस्क पर भी खेल सकते हो। तो सिंपली आपको प्ले नाउ पर क्लिक करना है। प्ले नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्ले नाउ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका नया पेज ओपन होगा एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बता दो रिस्क पर खेलना है, बिना रिस्क पर खेलना है, पूरा मतलब बराबर सिंपली चाहिए सब्जी बताने वाला हूँ। अगर आपको बिना रिस्क पर खेलना है, बिना रिस्क पर सबसे पहले बता दो, बिना रिस्क पर खेलना है सिंपली इस पर क्लिक कीजिए एंड इसमें जो 3 मान लीजिए सेलेक्ट करते हो, 3 इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर नीचे जो इसको 3 कर दिए, ठीक है। यहाँ पर इसको 3 कर दिए, ठीक है, 3 कर दीजिए। उसके बाद जो सबमिट 3 टिकट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए आपका कितना रुपये कटेगा, जो भी कटेगा आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना। मेरे हिसाब से चलिए 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब पहला ऑप्शन मैंने 3 सेलेक्ट, फिर आपको 8 टिकट पर क्लिक करना, अब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर इसको जो क्या करना है, अगर रिस्क पर खेलना तो आप 3 कर सकते हो और बिना रिस्क पर खेलना 2 कीजिए। सर मैं 2 मान लीजिए 2 कर देता हूँ, ठीक है, बिना रिस्क पर मैं खेल रहा हूँ 2 कर देता हूँ, मतलब मेरा कुछ पैसा डूबने वाला नहीं है। और अगर आप रिस्क पर खेलना चाहते हो इसे 3 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो बिना रिस्क पर खेलूंगा, मैं सबमिट 2 टिकट्स पर क्लिक करता हूँ, मतलब 2 में लगा रहा हूँ एंड कंफर्म में जो मैं कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अब जो आप बिना रिस्क पर खेल रहे हो, बिना रिस्क पर खेल रहे हो तो ये ऑप्शन अगर आपको लगाना पड़ेगा, और अगर रिस्क पर खेल रहे हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सीधा सीधी बात, तो मैं बिना रिस्क पर खेल रहा था तो ये ऑप्शन को लगा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना, आपका यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। अब आप समझे होंगे तो अच्छा बात है, यहाँ नहीं समझे तो वीडियो फिर से देख लीजिए। मतलब अगर रिस्क पर खेलना चाहते हो तो मतलब एक ऑप्शन को 3 बार चुनो, दूसरा ऑप्शन को भी 3 बार चुनो। अगर बिना रिस्क पर खेलना चाहते हो तो पहला ऑप्शन को 3 बार चुनो, दूसरा ऑप्शन को 2 बार चुनो और तीसरा ऑप्शन को 1 बार चुनो, ठीक है। सिंपल सा सीरीज वाइज है। आप यहाँ पर देखिए बैलेंस आप कितना बचता है, वैलेट पर जाने के बाद यहाँ पर 1 रुपये बचता है, यहाँ पर 29 रुपये बचता है, ठीक है। अब ये तो आपका कहीं में नहीं लगने वाला, जैसे आप यहाँ पर लगाते हो किसी कॉन्टेस्ट पर लगाओगे तो आपको यहाँ पर ऐड करने को बोला, जैसे मैं सबमिट टिकट पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऐड करने को बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। अब मैं बताता हूँ इस बोनस को कैसे यूज करना है आपको। सो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए विंजोबाजी का ऑप्शन है, विंजोबाजी पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी गेम अपना सेलेक्ट करना है। मेरा फेवरेट गेम यहाँ पर है स्टंप फीड एंड आपको भी रिकमेंड करूँगा स्टंप फीड खेलने को। यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ इस गेम का, मतलब इसमें स्कोर अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो यहाँ पर गेम मेरा डाउनलोड है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो मेरा गेम जो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर प्ले नाउ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप बताता हूँ को ट्रिक, बोनस अमाउंट तो यूज नहीं होता है लेकिन यहाँ पर बोनस भी यूज हो जा रहा है, अभी विंजो में बग चल रहा है। आप कब भी सॉल्व हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी बग चल रहा है कि 2 रुपये से मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ पर बग में ये यूज हो जाने वाला बोनस पूरा, मतलब 20 रुपये जो मेरा 21 रुपये बोनस था वो यूज होने वाला। और अगर आप मतलब कि 2 रुपये वाला 3-4 बार खेलते हो तो उसके बाद 10 रुपये का खेलने वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, 5 रुपये का खेलने वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, उस टाइम भी बताऊंगा। सिंपली यहाँ पर मेरा बैलेंस देख सकते हो 31 रुपये, किसी का मेरा टक्कर करेगा तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, फाइंडिंग कर रहा किसी ओपोनेंट को। तो यहाँ पर देखिए एक ओपोनेंट खोल चुका है फरज खान, इसका अनलिमिटेड ट्रिक बताने वाला हूँ। सिंपली क्या करना है सो बताता हूँ, सीधा सीधी बात, यहाँ पर स्टंप आउट पर लोग खेलते हैं, सिंपली बॉल को खींचते हैं, दिखा देता हूँ मैं से, फोन को आपको उल्टा करना ज्यादा आसानी होगा। उसके बाद सिंपल से करना क्या है, बॉल पर सिर्फ टच करना है, देखिए बॉल पर सिर्फ टच करना है। यहाँ पर अगर बॉल पर टच मतलब अगर खींचते हो इसे तो आपका निशाना अच्छा नहीं जाएगा, सिर्फ टच कीजिए। अगर हवा चलते समय थोड़ा सा जो स्टैंड करना लगाइए, जिस तरह का हवा चलता है पीछे उल्टा साइड लगाने वाला हूँ। He's on a roll today. Super feeling on display here. He's creating history here. There's
very few that he misses. That's gone. Amazing throw. Magnificent fielding. Amazing throw. He's on a roll today. Magnificent fielding. Outstanding effort. Excellent fielding on display here. Simply outstanding. Bullseye. He's gone. Oh, he's gone. Amazing. तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आउट हूँ, मतलब टाइम यहाँ पर 60 सेकंड का रहता है, 1 मिनट का, 1 मिनट पूरा हो चुका है। यानी अब मेरा कुछ स्कोर बना होगा पक्का, मैं पहला रैंक पर ही होगा मेरे हिसाब से, देखिए रैंक 1 पर, ठीक है। अब बता दो मैं रैंक पर 1 पर कैसे आया, और उसका स्कोर थोड़ा सा ही कम बता रहा है, लेकिन ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है एंड इसको जो क्विट कर देना, आप क्विट कर देना, क्विट कर देना, मैं सिंपली क्विट कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्विट जो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर वैलेट पर जाता हूँ, वैलेट पर जाने के बाद यहाँ पर तुरंत ही आपको क्विट करना है, थोड़ा लेट करो आपका बैलेंस कट जाए। देखिए यहाँ पर 3 रुपये जो विनिंग में आ चुका है, ठीक है, मतलब आपका पैसा जो यहाँ से नहीं कटा, डायरेक्ट कैश बोनस से ही कटा। एंड इसका ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पर तो मैं सिर्फ गेम खेल के दिखाया, यहाँ पर देखिए 2 रुपये कटा, 3.52 आ गया, ठीक है। अब ये इसका ट्रिक, यहाँ पर अगर आप नए प्लेयर हो, ठीक है, यहाँ पर नया अकाउंट तो बना रहे हो, तो आपको जो ऐसा प्लेयर के साथ मतलब विंजो गोल का ही बोट भेटता है, मतलब आप कुछ मान लीजिए 2 स्कोर बनाओगे तो आपको वो बोट जो 1 स्कोर बनाएगा, लेकिन आपको स्कोर थोड़ा अच्छा बनाना, ज़्यादा बनाना है, तब जो आप जीत सकते हो। सिंपल यहाँ पर क्या है, फिर से स्टंपीट पर क्लिक करता हूँ, बार बार आपको क्विट कर देना, फिर से मैं स्टंपीट पर क्लिक करता हूँ, 2 रुपये वाला बूट करता हूँ एंड फिर से जो खेलता हूँ, बार बार आपको जैसे आप जीतोगे उसके बाद यहाँ पर बैक पर क्लिक करना, ऊपर यहाँ पर जो ऑप्शन दिखेगा आपको बैक का, उस पर क्लिक करके आपको क्विट कर देना है, नहीं तो आप जो फिर से पैसा लग जाएगा, अगला बार आपका हारेंगे ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। विजय गोल्ड का यही थोड़ा बग है यहाँ पर, बोनस भी यूज हो रहा है थोड़ा, यहाँ पर देखिए फाइंडिंग कर रहा है अपोनेंट, उसके बाद जो टक्कर करेगा किसी के साथ एंड फिर से खेलने को मिलेगा, और ये अपोनेंट जो है विजय गोल्ड का ही बोट है। सिंपल से देख लीजिए, अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जो है उससे जीत सकते हो, अगर उसके पास पैसा कम है तो आप उसे हार सकते हो, ये आप सोच लेना, ठीक है। अब जो फिर से मेरा स्टार्ट होने वाला है देख सकते हो, एंड फिर से जो मैं आपके सामने लाइव खेलने वाला हूँ, जो यहाँ पर देखिए मैंने स्कोर बनाया, फिर से थोड़ा वेटिंग कर रहा है एंड कौन विनर होता है आप यहाँ पर मैंने सामने लाइव जो यहाँ पर देख पाओगे, जिसे थोड़ा वेट कर रहे हो। देखिए मैं जो उस विनर बन चुका हूँ, और आप हर बार जो उस विनर बनने वाले हो आपको सिंपली करना क्या, फिर से बैक पर क्लिक करना, फिर से क्विट कर देना, ठीक है। आपको हर बार क्विट कर देना, फिर से यहाँ पर अब जो मैं फिर से खेल लेता हूँ यहाँ पर स्टंपीट को एंड फिर से 2 रुपीज़ का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी पर 2-3 बार 3-4 बार आप खेलोगे तो आपका जो 5-10 रुपये वाला ऑप्शन आने लगेगा, तो आपको छोटा अमाउंट खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 रुपीज़ वाला आप डायरेक्ट खेलते हो उसमें भी जीत जाओगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आपको। जैसे मेरा देख सकते हो थोड़ा स्कोर ज़्यादा बन रहा है, आपको भी इतना थोड़ा स्कोर लगभग बनाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा चांस रहेगा नया प्लेयर हो तो न्यू प्लेयर हो आप जीत जाओगे, मतलब विंजो गोल्ड का बोट ही भीड़ता है तो सिंपली आप जीत ही जाओगे। फिर से यहाँ पर मेरा टक्कर करेगा, इसी पर मैं पूरा लाइव जो बैलेंस को कन्वर्ट करके ही दिखाने वाला हूँ। सीधा सीधे यहाँ पर देखिए फिर से टक्कर कर लिया यहाँ पर मेरे साथ, या शायद इससे मैं शायद हार सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मतलब प्रो प्लेयर है। तो देखिए इसके साथ मैं टक्कर ले लिया, तो यहाँ पर सिंपली स्टार्ट करेगा गेम को, यहाँ पर देख सकते हो मेरा फिर से टाइम खत्म हो चुका है, फिर से विनर डिसाइड करेगा यहाँ पर, जो विनर होगा आपके सामने लाइव होगा यहाँ पर, तो देख सकते हो थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो रैंक 1 में फिर से जो मैं आ चुका हूँ, उसका स्कोर भले ही अपोनेंट का थोड़ा सा कम रहेगा, फिर आपको क्विट पर क्लिक करना, क्विट कर देना, ठीक है। एंड फिर से आपको जो गेम को खेलना है अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से 2 रुपीज़ का आपको फिर से प्ले कर लेना है। इसी प्रकार जैसे वैलेट पर देख सकते हो मेरा विनिंग में जो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड इस प्रकार जो मैं प्ले भी जो कर लेता हूँ आराम से पूरा जो सब बोनस को, यहाँ पर देख सकते हो बोनस मेरा बचा हुआ अभी 24 रुपये, इसको पूरा जो खत्म कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो सभी गेम को खेल कर यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया सभी पैसे को, 60 रुपये यहाँ पर हो चुके थे। आप सोचेंगे कि इतना ही फायदा हुआ, इतना फायदा नहीं हुआ, अभी और भी फायदा जो बाकी होने वाला है। सिंपली यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर विंजो का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जाना होम पर, यहाँ पर डेली पजल में तो मैंने लगाया तो वो पैसा अभी तक आया नहीं है। सिंपली हुई बेटर पर क्लिक करें, यहाँ पर देख सकते हो 4 घंटा 32 मिनट बाकी है, ठीक है। ये टाइम होगा 4 घंटा 32 मिनट खत्म होगा, उसके बाद आपको जो विनिंग मिल जाना है, जैसे मैंने 6 टिकट लगाया था, जो भी आंसर होगा, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने टिकट लगाया था, इसमें आपने वीडियो को पहले देखा होगा, इसमें 3ों में टिकट लगाया था मैंने, अगर मेरा ये ऑप्शन तो मुझे 69 रुपीज़ मिलेगा, ये ऑप्शन आया तो मुझे 46 रुपीज़ मिलेंगे, और ये ऑप्शन आया तो 122 रुपीज़ मिलेंगे। वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इसी टाइप का ऑप्शन लगाया था, तो आपको भी इसी टाइप से लगाना है सेम टू सेम। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ही आ गया तो आपको 69 रुपीज़ का फायदा होगा, ये आ गया तो कितना फायदा होगा, तो क्या यार प्रूफ ही देख लो। सीधा सीधे 4 घंटा यहाँ पर बचा हुआ है, 4 घंटे तक जो मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। तो विनर जो यहाँ पर अनाउंस हो चुका है, टाइम पूरा खत्म हो चुका है, 106 रुपीज़ जो मेरा वैलेट में यहाँ पर हो चुका है, मतलब मैं 46 रुपये जीता, पहले 60 रुपये था, 106 रुपीज़ हो चुका है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर चला आया तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर 46 रुपये आ चुका है, 23। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप रिस्क पर खेलते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 69 रुपये का फायदा होता, और यहाँ पर बिना रिस्क पर खेले तो आपको यहाँ पर 46 का फायदा, 69 का भी हो सकता है लेकिन 46 का ही हुआ। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर वैलेट में मेरा 106 रुपये हो चुका है यहाँ पर। तो आप जो जैसे करना क्या, विड्रो पर क्लिक करना है, लाइव में विड्रो करके नहीं दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर विड्रो पर इस पर क्लिक करना है, इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सिंपली आपको 106 रुपीज़ का अमाउंट इंटर करना है, इसे जो मतलब मेरा इतना ही बैलेंस है, सिंपली मैं विड्रो नाउ पर क्लिक करता हूँ, इंस्टेंट आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा चले जाने वाला है।
पर देखिए 5% चार्ज करके आपके पेटीएम वॉलेट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ। मैंने सबसे पहले कितना रुपये लगाया था, सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लगाया था 50 रुपये, ठीक है। मैं सिंपली इसके आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो मैं 50 रुपये पहले लगाया था और यहाँ पर विड्रॉ करके मेरा पैसा कितना है 5% चार्ज करके मान लीजिए 100 रुपये मेरा पेटीएम वॉलेट में गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फायदा हुआ मुझे, तो डायरेक्ट यहाँ पर 50 रुपये का फायदा हुआ, डायरेक्ट 50 रुपये का इंस्टेंट फायदा। अगर आपको 69 रुपये मिल जाता तो डायरेक्ट यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा 69 रुपये 70 रुपये का फायदा हो जाता हर नंबर पर। तो यहाँ पर मुझे 50 रुपये का ही हो गया, बहुत फायदा हो गया। तो ऐसा ही आपको लूटते जाना, अगर ये ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपने अगर रिस्क पर लगाया 69 रुपये आएगा, अगर बिना रिस्क पर लगाया अगर और ये ऑप्शन आया तो आपका यहाँ पर 46 रुपये आएगा, और अगर बिना रिस्क पर लगाया था और ये ऑप्शन आ गया तो आपको 122 रुपये का बेनिफिट होने वाला है। मतलब बहुत बेनिफिट आया, वीडियो को अच्छे से देख लो समझ गए तो अच्छा बात है। तो कितना मस्त लगा ये वीडियो, मतलब जितना बेनिफिट मतलब जितना यहाँ से पैसा आएगा उतना बेनिफिट आएगा। मैंने तो अपना जितना पूंजी लगाया था उतना तो पैसा वापस कर ही लिया, आपका जितना लगेगा उतना आपका बेनिफिट। तो वीडियो को तो एंड तक देख ही लिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, इतना मस्त ट्रिक यार, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।